बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, इट्स आवर लेक्चर नंबर 8। इन दिस लेक्चर वी विल डू रिटन वर्क। ओपन योर डॉकेट, पेज नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज फिल इन द ब्लैंक्स। स्टूडेंट्स, टेक अ शार्प पेंसिल इन योर हैंड्स। योर राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। स्टूडेंट्स, राइट डेट CW and day on question number 9 like this. Number 1, the length of a year on the earth is dash days. Students, earth ki 1 year length dash days hai. The length of a year on the earth is 365.3 days. Students, earth ke 1 year mein 365.3 days hote hain. स्टूडेंट्स, 365 डेज़ में 0.3 को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हर 4 इयर्स के बाद लीप ईयर आता है, इसलिए हम 365 डेज़ में 0.3 को कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, लीप ईयर्स क्या होता है? स्टूडेंट्स, फरवरी के मंथ में 28 डेज़ होते हैं, लेकिन हर 4 इयर्स के बाद फरवरी का मंथ 29 डेज़ का होता है, इसलिए वो लीप ईयर्स कहलाता है। नंबर 2, A day on Jupiter is dash hours. Jupiter पर एक दिन dash hour का है। A day on Jupiter is 10 hours. Jupiter पर एक दिन 10 घंटे का है। Number 3, our sun has 9 planets going round it in dash orbit. हमारे सन के dash orbit में 9 planets चक्कर लगा रहे हैं। Our sun has 9 planets going round it in elliptical orbit. हमारे सन के elliptical orbit में 9 planets चक्कर लगा रहे हैं। Number 4, in order to make measuring distances in space easier, scientists use a unit measuring called dash. Students, space में measurement के distance को easy बनाने के लिए साइंटिस्ट्स मेजरमेंट का एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसे डैश कहते हैं। इन ऑर्डर टू मेक मेजरिंग डिस्टेंसेस इन स्पेस ईजियर, साइंटिस्ट यूज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉल्ड लाइट एयर। स्पेस में मेजरमेंट के डिस्टेंस को ईजी बनाने के लिए साइंटिस्ट मेजरमेंट का एक यूनिट यूज़ करते हैं जिसे लाइट एयर कहते हैं। नंबर 5, Many stars are grouped together in dash clusters. बहुत सारे stars को dash clusters में एक साथ group किया गया है। Many stars are grouped together in nebulae clusters. बहुत सारे stars को nebulae clusters में एक साथ group किया गया है। Number 6, Milky Way is also called dash. मिल्की वे को डैश भी कहा जाता है। मिल्की वे इज़ ऑल्सो कॉल्ड गैलेक्सी। मिल्की वे को गैलेक्सी भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। राइट द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। नंबर 1, मैनी साइंटिस्ट बिलीव डैट आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ द डेब्रिस डैट वॉज लेफ्ट ओवर फ्रॉम अ ह्यूज एक्सप्लोजन। ट्रू, बहुत से साइंटिस्ट इस बात पर बिलीव करते हैं कि हमारी यूनिवर्स एक बहुत बड़े धमाके के नतीजे में आने वाले डेब्रिस से मिलकर बनी है। इट्स ट्रू। नंबर 2, द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू द नियरेस्ट स्टार इज 4.5 लाइट ईयर्स। फॉल्स, राइट एफ। इट्स ट्रू आंसर इज, सबसे नियरेस्ट स्टार का फासला 3.5 लाइट ईयर्स है। नंबर 3, वन रेवोल्यूशन राउंड द सन मेक्स द डे फॉर द प्लैनेट। फॉल्स, राइट एफ। इट्स ट्रू स्टेटमेंट इज, सन के गेट प्लैनेट का वन रेवोल्यूशन इसका 1 ईयर होता है। नंबर 4, ग्रेविटी एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क टुगेदर। ट्रू, राइट टी। ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस साथ मिलकर काम करती हैं। इट्स ट्रू। नंबर 5, A day on Venus is 5,760 hours. It's true.
राइट टी। वीनस पर वन डे 5760 आवर्स का है। इट्स ट्रू। नंबर सिक्स, द डिस्टेंस लाइट विल ट्रेवल इन वन ईयर इज कॉल्ड अ लाइट ईयर। इट्स ट्रू। राइट टी। वन ईयर में लाइट जो डिस्टेंस तय करेगी इसको लाइट ईयर कहा जाता है। इट्स ट्रू। बिग बैंग वॉज अ लार्ज एक्सप्लोजन। इट्स ट्रू। राइट टी। बिग बैंग एक बहुत बड़ा धमाका था। इट्स ट्रू। अमेरिकन स्पेस क्राफ्ट वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2 लैंडेड ऑन मून इन 1976। इज फॉल्स। राइट एफ। इट्स ट्रू स्टेटमेंट इज दे लैंडेड ऑन मार्स इन 1976। नंबर 9, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इज फॉल्स। राइट एफ। इट्स ट्रू स्टेटमेंट इज अर्थ की ग्रेविटी मून की ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ जुपिटर इज स्ट्रॉन्गर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इज ट्रू। राइट टी। जुपिटर की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इट्स ट्रू।